अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वर्ल्ड वाइड डायरी में खुश आमदेद। आज एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ, एक मेहमान के साथ जो रिसेंटली अजरबैजान और जॉर्जिया का विजिट करके आए हैं। तो उनसे सुनते हैं और क्या उन्होंने प्रोसीजर इख्तियार किया था और कैसा लगा उनको अजरबैजान और कैसा लगा उनको जॉर्जिया, उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे और ताकि उनके जो व्यूज़ हैं और जो उनके एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों से मुस्तफीद हूँ। तो हमारे पास आज के मेहमान हैं जनाब चौधरी लियाकत अली साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और आइए सुनते हैं उनसे उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वर्ल्ड वाइड डायरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप यहाँ अबू धाबी से आप गए जॉर्जिया, फिर आप गए अजरबैजान बाकू, तो आपका क्या मतलब प्रोसीजर क्या था, कैसे वीजा अप्लाई किया, टिकट लिया, आप कैसे गए, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं, जो स्पेशली वो लोग जो हिस्ट्री बनाना चाहते हैं उसके लिए, यूरोप के लिए या दूसरी कंट्रीज के लिए, तो उनको फायदा पहुंचे, उनको भी मालूम में इजाफा हो और वो लोग भी वो प्रोसीजर क्या करें, तो काइंडली जरा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं अपनी। जी सर, थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी आपके इस चैनल के तवसत से। मैं मतलब जो मेरे एक सफ़र रहा है जॉर्जिया का और अजरबैजान का, वो लोगों तक पहुंचेगा और क्या मुश्किलात हो सकती हैं और क्या मतलब आसानियां हैं। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट ट्राई सुनी थी लोगों से कि कोई कह रहा था कि जॉर्जिया आपको जो है ना अनअराइवल वीज़ा नहीं देता, कोई क्या मतलब इस तरह की सिचुएशन। तो बहरहाल हमने जो है ना यहाँ वहाँ जाने से पहले हमारा प्लान ये था कि हमने अजरबैजान जाना है और जॉर्जिया जाना है, दो कंट्रीज। तो दो कंट्रीज चूँकि ये दोनों साथ साथ ही हैं, और आर्मेनिया का भी हमारा प्लान था, लेकिन आर्मेनिया चूँकि वो अजरबैजान और आर्मेनिया की जो जंग छिड़ी है, तो उस वजह से फिर हमें अजरबैजान में प्रॉब्लम बननी थी। तो इस वजह से हमने दो कंट्रीज का इंतखाब किया और हमने अबू धाबी से विज़ एयरलाइन की हमने आरबी टिकट ली। यहाँ से कोई 3 बजे हमारी फ्लाइट ने उड़ना था, यहाँ से वो फ्लाइट हमें लेके कुतेसी पहुंची। तो कुतेसी जो है ना ये तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट का रास्ता था ये, और हम वहाँ 6:50 पे पहुंच गए। और जब वहाँ पहुंचे हम, तो चूंकि टाइम जोन एक ही है इन कंट्रीज का, जो ये अजरबैजान और जॉर्जिया है, ये एक ही टाइम जोन है। तो जब हम वहाँ पहुंचे, वहाँ जाके हम जहाज से उतरे, फिर आगे जो प्रोसीजर है, हम गए अंदर, तो एक इमिग्रेशन वाली एक ऑफिसर उधर खड़ी थी, उस वो बस जिस लोगों के पासपोर्ट देख रही थी। तो जैसे ही हमने लैंड किया, तो वहाँ एक और भी फ्लाइट उसी टाइम पहुँचाई थी, वो आई थिंक यूरोप की किसी कंट्री से आई है, इटली या वट एवर। सो तो उसमें मतलब वो भी हमारे साथ लोग अंदर आ रहे थे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, तो वो बस जिस पासपोर्ट देख रही है और कहते जी राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो जो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट है, एशियंस लाइक बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इवन कि उसमें यमन भी था, इवन उसमें ओमान भी था, इन सबको जो है ना वो एक साइड पे कर रहे थे और बाकी कंट्रीज को एक साइड पे कर रहे थे। तो इवन कि यूएई के भी लोग उसमें थे। खैर हमें वो लाइन में लगे और लाइन में वो उधर पहुंचे हम। तो पहुंच के तो उन्होंने एक ऑफिसर आगे खड़ा था, उसने हमारा पासपोर्ट चेक किया और पूछा कि ये आपका फर्स्ट टाइम है? जी हमारा फर्स्ट टाइम है। तो कितने अरसे का स्टे है? हमने कहा जी 3 दिन का। और आपके पास पैसे कितने? हमने उसको कहा जी मेरे पास तो $1000 था और मेरे साथ अंकल थे, उनके पास £1000 था। तो हमने कहा कि जी $1000 और £1000 है। तो खैर उसने पासपोर्ट लिया और उसकी पिक्चर से पिक्चर ली और पासपोर्ट उठा के जेब में डाल दिया। और कुछ टाइम के बाद वेरिफिकेशन के बाद उसने पासपोर्ट वगैरह हमें दे दिया और उसके बाद फिर हमें वो उस दूसरी लाइन की तरफ भेज दिया और वहाँ से जो है ना आगे हमने इमिग्रेशन क्रॉस किया। और फिर हमने क्योंकि रात का टाइम था, तो हमने कुतेसी में जो है ना जस्ट हमने तो एक ट्रैवल हिस्ट्री बनानी थी, एंट्री करनी थी और वापस आना था। तो इस वजह से हम रात को कुतेसी में रुके और फिर कुतेसी से सुबह हम तिबलिसी गए और तिबलिसी से फिर हमने वहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट जो हमारी तिबलिसी से वो बाकू की तरफ थी, तो फिर हमने वहाँ से फ्लाइट पकड़ी बाकू और बाकू चले गए सर। अच्छा, बाकू अजरबैजान का जो सफ़र है, उससे पहले वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या मतलब कैसे अप्लाई किया सर, व्यूअर्स को भी बता दें। जी सर,
सर वीज़ा जो है ना, मतलब बाकू पहुंचने से पहले आपके चैनल के तौर से मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने सफ़र किया था, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि वहाँ जो मशीनें लगी हैं उनके ऊपर बेताशा रश होता है जो एयरपोर्ट के ऊपर है, तो वहाँ जाने से पहले आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर लें, 2-3 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। तो मैंने जस्ट वीज़ा अप्लाई किया और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं था, जस्ट एक पासपोर्ट की कापी वो अटैच की है, लेकिन वो जस्ट फीस पे की है और 100 दिरहम है, 95 दिरहम उनकी वो फीस थी, 5 दिरहम आई थिंक टैक्स वगैरह कोई था, तो ये 100 दिरहम के अंदर ये वीज़ा 2 दिन के अंदर, अगले 2 दिन के अंदर आ गया था। तो वहाँ क्योंकि एयरपोर्ट पे जाने से पहले अगर आप वीज़ा अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ जाके रश से आप बच जाएंगे। जैसे हम बाकू एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो वहाँ चूंकि अब जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं था वो मशीनों की तरफ गए और उन्होंने वहाँ सारी एंट्री करनी थी और ये सारा कुछ करना था, मतलब तो जो उधर वेट करने से बचने के लिए ऑनलाइन बंदा वेट करने से बचे, वो जो है ना हमारे तकरीबन कोई मैक्सिमम 10 मिनट लगे उन्हें, और 10 मिनट में हमने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया और उसके बाद जो है ना हम सीधा बाहर चले गए और फिर हम टैक्सी पकड़ के सीधा होटल की तरफ चले गए, और फिर वो निज़ामी स्ट्रीट जो बाकू की बड़ी मशहूर स्ट्रीट है, मशहूर जगह है, शाम का टाइम हमने वहाँ गुजारा, और स्पेशली हमने जिस होटल में स्टे किया था मदीना होटल के नाम से था वो, बड़ी आउट क्लास सर्विस है उनकी और बहुत अच्छे और वेल मैनेज्ड लोग हैं वो, इवन के बाकू के अंदर, अज़रबैजान के अंदर लोगों को इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश बहुत कम आती है उनको, बहुत कम लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, तो वो मतलब लड़के जो है ना इंग्लिश बोलते हैं बड़े प्रोफेशनल हैं, तो ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई बंदा भी अगर वहाँ जाना चाहे तो वो मदीना होटल या जमजम होटल उनमें वो स्टे कर सकता है, आप बड़ा फैमिली होटल है और बड़ा मुनासिब रेट के ऊपर आपको मिल जाएगा और विद कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के। तो नेक्स्ट डे फिर हमने वहीं से रेंट अ कार पकड़ी, उन्हीं होटल वालों ने हमें अरेंज करके दी, फिर हम गबाला की तरफ चले गए और गबाला से फिर हम शाम को वापस आ गए, और फिर नेक्स्ट डे हमारा था गुबा की तरफ, गुबा यानी कि गबाला जो है ये इस तरफ है रशिया अजरबैजान की तरफ जी, और जो गुबा है ये रशिया के पास रशिया है। तो फिर हम दूसरे दिन उधर गए और वो जो सिटी था उसमें यिनार था और जो कारपेट म्यूजियम है और ये वो उनका फ्लेम टावर है जो ऊपर शहदा की यादगार है, ये सब फिर जो है ना हमने शाम को उधर घूमे और फिर निज़ामी स्ट्रीट भी, उससे नेक्स्ट डे हम वापस आ गए अबू धाबी। बाकी व्यूअर्स प्रोसीजर जो है अजरबैजान और बाकी कंट्रीज का हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो में ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूँ, उस पर मौजूद है, तो आप लोग चैनल का विजिट करके आप लोग वहाँ से मालूम ले सकते हैं। बाकी चौधरी साहब ने भी बहुत अहम मालूम दी और जो उनके साथ वहाँ पे पेश आया या जो तरीक़ेकार था कैसे उन्होंने किया था सब कुछ आप लोगों को वाजे हो चुका है। उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, ताकि वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं या हिस्ट्री बनाना चाहते हैं उन लोगों की मालूमात में इजाफा हो और उनको फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।